जोशीमठ भूदसाब के हालातों से जूझ रहा है और वही अब रुद्रप्रयाग का मरूड़ा गांव भी भूदसाब की चपेट में आ गया है। इसी के चलते गांव के 45 परिवार गाय से पलायन कर चुके हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के तहत गांव के नीचे से सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो सुरंग के निर्माण के चलते गाँव भूदसाब की चपेट में आया है। आपको ये भी बता दें कि RVNL ने मरूड़ा गांव के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए टीन शीट लगाए हैं, तो वहीं कुछ परिवारों ने पशुपालन विभाग के भवन में शरण ली तो कुछ परिवार किराए पर दूसरी जगह रह रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विस्थापन परिवारों को जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं। हालांकि DM का कहना है कि प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के लिए 21 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने एक हफ्ते के भीतर मुआवजा वितरण प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई है। तो रुद्रप्रयाग में भूदसाब मरूड़ा गांव में भी अब होने लगा है। 45 परिवारों ने पलायन किया, गांव के नीचे सुरंग बनाई जा रही है। रेल लाइन के लिए ये सुरंग बन रही है। प्रभावितों ने प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। कोई भी सुविधा इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। देखिए, मरूड़ा गांव में रेलवे के द्वारा जो हमने प्रतिस्थापन का प्रपोजल भेजा था उसको स्वीकृत करके करीबन 21 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराई गई है। और अभी हमारी जो तहसील की टीम है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आदि तैयार कर रहे हैं और सभी से हमारी बातचीत लगातार चल रही है। और आने वाले कुछ दिन में हमारे जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, ADM, SDM आदि, ये लोग विजिट भी कर रहे हैं और आगे जाएंगे। अगर कोई और समस्या भी होगी विस्थापन को लेकर मुआवजे के अलावा तो उसको भी हम लोग निस्तारित करेंगे। लेकिन अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही कि जिन जो जो परिवार प्रभावित हुए हैं, उनके यहाँ घर वर टूट गए हैं, लैंडस्लाइड हुई है या टूट फूट हुई है, उनको हम लोग मुआवजा जो स्वीकृत है वो हम जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और अगर किसी को और की कोई समस्या होती है विस्थापन से रिलेटेड या मुआवजे से रिलेटेड तो उसको भी हम लोग अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने लाकर उसको निस्तारित करेंगे। देखिए, जो सुरंग आधारित परियोजनाएँ बन रही हैं इसका जीता जागता उदाहरण इस समय जोशीमठ का है, जो इन सुरंगों की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी को झेल रहा है। और ये सिर्फ जोशीमठ नहीं है, जोशीमठ तो आपने कह दिया कि NTPC की वजह से हुआ है, लेकिन अगर आप ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के कारण जो घर और गांव क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, सरकार का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। इस रेल परियोजना का एक जीता जागता उदाहरण रुद्रप्रयाग जनपद का मरोड़ा गांव है, जो पूरी तरह से जमीदोज हो रहा है और यहां के 41-42 परिवार विस्थापित हो चुके हैं, इनको अन्यत्र शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन सरकार सिर्फ कोरे आश्वासन दे रही है और इनको कह रही है कि आपको 4,000 रुपये प्रतिमाह किराया मिलेगा, आप कहीं भी अपने लिए जगह ढूँढ लीजिए। देखिए, मरोड़ा गाँव पूरी तरह से विस्थापित हो चुका है और 29 करोड़ रुपए का जो उनका अवार्ड है वो साइन हो चुका है। शायद इसी हफ्ते उसके भुगतान की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। तो अब मरोड़ा गांव में फिर से बसने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और हमने सब लोगों से यही अपील की है कि मुआवजा जो मिल गया है उसको ग्रहण कर लें, और अगर किसी को मुआवजे को लेकर के किसी तरह की आपत्ति है तो वो अंडर प्रोटेस्ट भी मुआवजा ले सकते हैं।